हालेलुया। सो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में से ये बात करना चाहते हैं कि आप एक दिन में अपने ऊपर कितने शाप अंगीकार करते हो। एक दिन में कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन में कितने ही श्राप अपने ऊपर लेते हैं, अंगीकार करते रहते हैं, अंगीकार करते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा समय में हम लोग आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपको शाप, पंजाबी में कहते हैं शराप, आपको शराप शाप जो है वो अंगीकार नहीं करना। आपको क्या अंगीकार करना है? आशीष अंगीकार करनी है। तो आपको मैं थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में बताना चाह रहा हूं। कई लोग खुद ही अपने ऊपर शाप ग्रहण करते रहते हैं, अपने आप ही उनका अंगीकार अपने मुंह से करते रहते हैं। देखो, आपके मुंह का अंगीकार बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, रोमियो 10:9-10, कि अगर तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आपका उद्धार होगा। मुक्ति कैसे मिलती है? मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार से। और आप जिस मुंह से अंगीकार करते हैं और आपको मुक्ति मिलती है, उसी मुंह से आप अंगीकार करते हैं क्या? श्राप अपने ऊपर ही, खुद ही या अपने परिवार के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो एक अंगीकार बहुत करते हैं शाप को, वो कहेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और कई लोग कहेंगे साढ़े घर विच तां पंजी भी नहीं है, हमारे घर में तो एक रुपया भी नहीं है। ऐसे अंगीकार करते हैं, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो एक रुपया भी नहीं है। जबकि एक रुपए से ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन उनका अंगीकार ही ऐसा होता है। अपने ऊपर ही शाप जो है, शाप के शब्द हैं ये, उनको अंगीकार करते रहते हैं। ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही जाएगी, ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी, ये तो मेरी जान लेकर ही जाएगी, ये क्या है, ये आपका अंगीकार है। मेरा कर्ज, मेरा कर्ज नहीं उतर सकता, थोड़ा बहुत कर्जा होता तो उतर जाता, मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो इतना कर्जा है, ये नहीं उतर सकता, मैं तो कर्जे में मरूंगा, जब कर्जे से तंग आकर मैं तो फांसी लगाऊंगा, ये अंगीकार है। मेरा कर्जा कभी नहीं उतर सकता, मेरा नशा, मेरा नशा नहीं छूट सकता, ये तो कब्रस्तान तक ही जाएगा मेरा नशा। ऐसे ऐसे तो आपके अंगीकार हैं। फिर कहेंगे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, अब क्या है इतनी उम्र निकल गई, अब सफलता कहां से। आप भी ध्यान दीजिए, कहीं आप अपने ऊपर एक दिन में कितने शाप ग्रहण कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। आज इस वचन को पूरा सुनिए, मेरे घर के हालात कभी नहीं सुधर सकते, ऐसी बातें करते हैं, मेरे घर के हालात, ना 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 कभी नहीं सुधर सकते मेरे घर के हालात, है ना, मेरे पुत्र तो मुझे नहीं संभालेंगे। जबकि पुत्र अभी इतने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पहले कहना शुरू कर देंगे इन्होंने क्या संभालना है, बेटे क्या संभालेंगे, आजकल तो कोई माहौल ही ऐसा हो रखा है, इन्होंने क्या संभालना मुझे। आपका अंगीकार ही ऐसा है। कुछ लोग परमेश्वर के बारे में अंगीकार करते हैं, परमेश्वर से मेरा मिलाप नहीं हो सकता, मैं तो बड़ा पापी ही हूं। जिसके शाप क्षमा हो चुके वो भी यही अंगीकार करता है, मेरा परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता, मैं तो पापी हूं। जबकि वो बपतिस्मा भी लिया हुआ, पाप धोल चुके उसके। कई किराए के मकान पर रहते हैं और वो कहते हैं मैं तो किराए के मकान में ही जीवन पूरा करूंगा, और चंगाई के लिए कहते हैं मैं नहीं ठीक हो सकता, मैं नहीं ठीक हो सकता, मैं तो ऐसे ही मरूंगा। और जब कोई अन्य जाति लोग मिलते हैं, दूसरे लोग उनसे मिलते हैं, तो उनसे बात करते हुए बात कहते हैं उसको, उसके अंदर हवा भरने के लिए कहेंगे मैं तो गरीब आदमी हूं, तुम तो राजा हो। किसको कह रहे हैं? जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते उसको कहते हैं। अपने आप जो परमेश्वर के हैं, राज्यों के राजे, राज्यों के राजे दे हां पुत मह राजे, असी की हां राज्यों के राजे दे हां पुत मह राजे, हम तो महाराजे हैं। और हम लोग कहते हैं मैं तो गरीब आदमी हूं, भाई आप तो बड़े लोग हैं, तुम तो राजा हो,
अंगीकार ही तुम्हारा गरीब है, तो गरीब रहेगा तू। कई लोग कहेंगे, वो पूछे कह रहे कैसे क्या हाल है, वो कहेंगे मैं तो तुम्हारी मदद से बस दिन पूरे कर रहा हूँ, बस मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है, टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे तो आपका ही सहारा है। किसको कहते हैं? अन्य जाति लोगों को। अंगीकार, गलत अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें मसीह में अंगीकार जो करना है वो धन्य अंगीकार करना है। यशाया 65 अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो अपने आप को धन्य कहेगा यहोवा के नाम से अपने आप को धन्य कहेगा। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप कहें मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे पास प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। आप कह सकते हैं मैं मसीह में धन्य हूं। धन्य मतलब आशीष पाया हुआ, मेरी संतान धन्य है, आशीष पाई हुई है, मेरी भूमि की उपज धन्य है, मैं आशीषित हूं, यहोवा परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दी है, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह है आपका अंगीकार। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालांकि आप चंगाई की ओर चल रहे हो, चंगाई शुरू हो चुकी है, आप पहले अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। मेरे बेटे और बेटियां आज्ञाकारी बन रहे हैं। कई लोग अपने बेटों से कहते हैं, अरे तू तो पूरा जीवन धक्के ही खाएगा, इं गलियों में हांटता फिरा है, इं सारी उम्र ही गलियों में हांटता फिरोगो राजस्थानी में, तू तो सारी उम्र धक्के खाएगा, रूढ़ियां धक्के खाएगा पंजाब में कहते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद अंगीकार अपने बेटों के लिए आप दे रहे हैं, तू तो सारी उम्र लोगों के आगे हाथ ही फैलाता रहेगा, कैसा अंगीकार अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? तो भूखा मरेगा, भूखा सारी उम्र। तो ये अंगीकार है आपके, इस मुंह से आपने अंगीकार किया कि परमेश्वर मसीह मेरा मुक्तिदाता है और आपको मुक्ति मिल गई। और इसी मुंह से आप अंगीकार करते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। देखो, आप अंगीकार करें, जब भी अच्छा अंगीकार करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, आप अंगीकार करें। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं, ये अंगीकार करें। परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी रहती हैं, ये आप अंगीकार करें। परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अपने आप को हीन भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, दीन भावना होनी चाहिए, हीन नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, मैं किसी भी मुश्किल से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर मेरे आने जाने में मेरी रक्षा और अगुवाई करते हैं। परमेश्वर मेरे परिवार पर आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर मेरी धन संपत्ति पर आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे चंगाई की आशीष दे दी है, परमेश्वर मुझे सफलता दे रहे हैं। ऐसे आपके अंगीकार होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप अपना अंगीकार के द्वारा ये सब कुछ पा सकते हैं। क्या आपके पास पहले मुक्ति थी, लेकिन आपने मसीह का अंगीकार किया और आपको मुक्ति मिली? देखिए, एक वचन है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 23 वचन, वह लिखा है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। जो आपकी आशा का अंगीकार है, आशा का अंगीकार क्या है, क्या है आपको आशा? परमेश्वर से मुझे चंगाई देंगे। अभी चंगाई नहीं दी, लेकिन आशा है। अगर आपको मिल गई है, फिर आशा कहां रही? वो तो आपको मिल चुकी है। परमेश्वर मसीह मुझे चंगाई देंगे, परमेश्वर मसीह मुझे सफलता देंगे, परमेश्वर मसीह मुझे धन संपत्ति देंगे, परमेश्वर मसीह मेरा अच्छा सा घर बनाकर देंगे, परमेश्वर मसीह मेरी मदद करेंगे। आशा का अंगीकार, परमेश्वर मसीह मेरे साथ हैं, परमेश्वर मसीह मेरी प्रार्थना सुनते हैं, यह आशा का अंगीकार। लिखा है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। जब देरी होती है किसी बात में, तो हमारा आशा का अंगीकार वो टूटता है। हमारा नहीं कुछ भी हो सकता, हम नहीं कर सकते, हम तो ऐसा अपने आप ही, हम तो अभागे हैं, हम तो मंद भागे हैं, हम तो निकम्मे हैं। बहुत सी ऐसी बातें अंगीकार की हैं।
मैं आपको एक बात बताता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए लोग आए हुए थे, 5000 लोग थे, बच्चों और औरतों को छोड़कर, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाने के लिए दो। मेरे हिसाब से लगभग 14000 लोग होंगे, आदमी 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 ही 5000 थे, बच्चे और औरतें ज्यादा होते हैं, जैसे आज चर्च में भी ऐसा ही है। तो प्रभु यीशु ने कहा इन्हें खाने के लिए दो। चेले कहने लगे इनके खाना अगर हम लोग खरीद कर लेकर आएंगे तो कम से कम 1,00,000 रुपए खर्च होगा, 1,00,000 की मजदूरी के जो है 1,00,000 रुपए खर्च होगा इनपे खाने पर। प्रभु यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या है, 5 रोटियां और 2 भुने हुए। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, बाइबल में नहीं लिखा, 2 भुने हुए आलू, बाइबल में कुछ और लिखा। हमारे उसने कहा मेरे पास क्या है ना, 5 रोटियां हैं। अब ये बताओ 5 रोटियां और 14000 के आसपास लगभग लोग, जब आदमी आदमी 5000, 5 रोटियों से 5000 कैसे खा सकते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है इनको खिलाने के लिए। उन्होंने क्या कहा, हमारे पास 5 रोटियां हैं। क्या 5 रोटियां तो एक आदमी खा जाता, एक आदमी 5 रोटियां, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है इतने सारे लोगों के लिए। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास तो 5 रोटियां हैं। ठीक है, परमेश्वर ने उन 5 रोटियों पर आशीष दे दी। हालेलुया, 5 रोटियों पर जब आशीष दे दी तो वो मल्टीप्लाई होगी आशीष, और हजारों लोगों ने उस खाने को खाया और 12 टोकरे बच भी गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कब हुआ? जब उसने ये कहा कि हाँ हमारे पास 5 रोटियां हैं तो उस पर आशीष आई। अगर वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता। जब आप कहते हैं हाँ मैं परमेश्वर मसीह मुझे चंगा कर रहे हैं, तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी चंगाई है, उस जैसे 5 रोटियां हैं और ऐसे थोड़ी सी चंगाई आपके पास है, तो परमेश्वर मसीह आपके अंगीकार को देखेंगे और चंगाई को ढेल देंगे। जैसे 5 रोटियों से 1,00,000 का खाना बन गया, वैसे ही आपकी थोड़ी सी चंगाई बड़ी चंगाई बन जाएगी, आपकी थोड़ी सी सफलता आपके अंगीकार से बड़ी सफलता बन जाएगी, आपका थोड़ा सा छुटकारा बड़ा छुटकारा बन जाएगा, आपकी थोड़ी सी आशीष बड़ी आशीष बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी अंगीकार न करने, नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं जब बाहर जाता हूं तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बहुत फैक्ट्रियों वाले अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े अमीर लोग, कई बार बात करते करते मुझे कहेंगे ये तो बहुत अमीर हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं हमारे पास कहाँ है, हम तो प्रभु की सेवा करते हैं। मैं कहता हाँ परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। कोई भी तुलना करनी हो, एक आदमी वहां बैठा सेठ जिसकी फैक्ट्रियां मिल चलती हैं, फैक्ट्रियां हैं, एक आदमी है वहां नेता है जो करोड़ों रुपए का मालिक है, और वहां मैं हूँ। कई बार बात करते हैं कोई भी, कई बार एक बार नहीं कई बार वो पूछेंगे अरे इनका क्या है, इनके पास बहुत पैसा है। वो अपने हिसाब से कहते हैं कि क्रिश्चियनों को बाहर से पैसा आता है, वो साब लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हाँ परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे पास बहुत कुछ है, परमेश्वर ने हमें अमीर बनाया है। कई लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत अमीर हैं, इनका क्या मुकाबला। बड़े बड़े लोग जो कहेंगे इनके इनका क्या मुकाबला, ये तो बहुत अमीर हैं। मैं कहता हाँ परमेश्वर हमें बहुत अमीर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा अंगीकार जो है वो सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने अंगीकार किया हाँ हमारे पास है 5 रोटियां, ठीक है, उसी पर आशीष आ गई। आप अंगीकार करेंगे मैं धन्य हूं, आपका बेटा थोड़ा सा सुधर रहा, आप कहें मेरा बेटा आशीषित है, धन्य है। आपकी पत्नी थोड़ा सा सुधर रही है, आप कहें मेरी पत्नी आशीषित है। जब उसके सामने मत कहिए, परमेश्वर के सामने कह दीजिए, आप अंगीकार कीजिए तो वो पूरी तरह से सुधर जाएगी। हालेलुया। आपका पति थोड़ा सा सुधरा, आप कहें अरे मान लो वो 100 गालियां निकालता था, अब 1 गाली, अब 90 गालियां निकालता है, तो आप कहें मेरा पति आशीषित है, क्योंकि वो है ना, वो तो सुधर गया है। आप ये ना सोचें भी 90 तो निकाल ही रहा है अभी तक भी,
अंगीकार वो करें जो आप, और वो जैसे आप अंगीकार मुंह से बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर 5 रोटियों को जैसे बढ़ा दिया था, ऐसे ही वो आशीष, उसके बदलाव, थोड़ा सा बदलाव है, पूरा बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप हमेशा अंगीकार आपका सही रखें। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है, हमारे घर में बहुत कुछ है। अगर आपके घर में, एक बात और बताता हूं फिर आप समझ जाएंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय, पूरे 4 अध्याय में यह बात लिखी है। मैं आपको दूसरा राजा 4 अध्याय 2 वचन आपको समझाता हूं। एक औरत है और वो विधवा है, उसके 2 बेटे हैं, बेटे जवान हो गए और उस उनके ऊपर इतना कर्जा था। तब जिसने कर्जा लेना था वो आया और आकर कहने लगा, भी तेरे दोनों पुत्रों को मैं गुलाम बनाऊंगा, तेरे दोनों पुत्रों को मैं सीरी रखूंगा, तेरे दोनों पुत्र मुझे दे दे, गुलाम बनाऊंगा इनको तो मैं। क्यों? क्योंकि तेरा कर्जा तो पूरा नहीं हो सकता। तो वो दौड़ी, उसने कहा रुक एक मिनट, थोड़ी देर के लिए रुक, और वो दौड़ी, दौड़कर क्या किया उसने, परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के दास के पास गई और उसे कहती है कि हमारे ऊपर तो बहुत कर्जा है और जिसका कर्जा देना वो आ गया है कर्जा मांगने के लिए और मेरे दोनों पुत्रों को गुलाम बनाने के लिए लेकर जा रहा है। अब उस मां की आशा थी ये दोनों बेटे बड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो तो गुलामी में जा रहे हैं दास बनने के लिए। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? किस लिए पूछा था? उस कर्जे के बदले नहीं। मान लो उसने 10 लाख देना था तो परमेश्वर का दास पूछ रहा है, तेरे पास क्या है उस कर्जा, वो कर्जा भरने के लिए तेरे पास क्या है? है ना, मान लो कोई भी है और युवराज कहता है मैंने कार लेनी है और कार 12 लाख की आती है और मुझे कहता है मैं कार लेनी है, मैं पूछूंगा तेरे पास क्या है? जब मुझे कहेगा मेरे पास तो 10 लाख है पास्टर जी, तो मैं कहूंगा अच्छा कोई बात नहीं, 2 लाख प्रभु से इंतजाम करवाते हैं और अपने ले लेते हैं। तो वो पूछ रहा है तेरे पास क्या है, यानी कि कर्जा भरने के लिए। और उसने क्या कहा, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मेरे घर में क्या है? एक कुज्जा, एक हांडी, एक मटकी, क्या है? तेल है जैतून का और कुछ भी नहीं है। पर उसने कहा मेरे पास है, क्या है? एक हांडी तेल। अब एक हांडी तेल में कितना तेल होगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 भी लगाओ तो 5 किलो में वो इतना बड़ा जो कर्ज था, मान लो 10 लाख का इतना बड़ा कर्ज एक मटकी से जो उतरता, तो वो तो पहले मटकी का तेल बेचकर उसका उतार देते, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। कर्जा बहुत था, अगर कम होता तो एक बेटा गुलामी में लेकर जाते, वो दोनों को लेकर जा रहा था क्योंकि कर्जा ज्यादा था और एक मटकी से तेल, तेल से थोड़ा कर्जा उतरता था, नहीं तो उतार ही देती, चर्च में आने की उसको जरूरत नहीं थी। सो परमेश्वर के लोगों, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कख नहीं है ना, हमारे घर में तो कख नहीं है, जबकि घर में कख ही कख होते हैं, बहुत कुछ होता है। कहने का मतलब उसने कहा मेरे घर में है, उसने पूछा ये कर्जा उतारने के लिए तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास है एक मटकी में तेल है। हालेलुया। उसका अंगीकार देखकर परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किया, उसने अंगीकार अच्छा किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। तब परमेश्वर ने कहा अपने दास के द्वारा, अपने घर जा और ओस पड़ोस के बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत मांगना, और जो तू बर्तन मांग कर लेकर आए तो क्या करना, इस तेल को उसमें उंडेल देना। उसने आज्ञाकारी की, सारे बर्तन ओसियों पड़ोसियों के मांग कर गेट बार का बंद कर दिया, उसने ऐसे तेल उंडेला, जैसे तेल उंडेला उसमें क्या निकली, धार, तेल की धार निकली और बर्तन में धार चलने लगी। वो जो आगे मटका रखा हुआ था वो तेल से भर गया, हाथ में कितना मटका है इतना सा, नीचे कितना मटका है इतना सा, इतना बड़ा, ये छोटा सा मटका ऐसे किया हाथ वाला, तो वो सब पूरा भर गया। दो बेटे पास में थे, उसने कहा दूसरा लगाओ जल्दी जल्दी से, उन्होंने उसको हटाया और साथ लगा दिया, ये जो धार थी वो बंद नहीं हुई। फिर मटके भर गए, मनो मनो के बड़े बड़े मटके होते थे,
बाल्टियां भर गई, बट्ठल भर गए, पतीले भर गए, ग्लास भर गए, कटोरियां भर गई, सब कुछ भर गया, बड़े बड़े ड्रम भर गए। तो अपने बेटों से कहती है और लेकर आओ। उन्होंने कहा और तो नहीं है, तो वो तेल बंद हो गया और उसके अंदर उतने को उतना ही रह गया। हालेलुया, सब बर्तन भर गए। तब वो दौड़कर गई परमेश्वर के दास के पास, भी ये इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया है, अब मैं क्या करूं। कई लोग तो जाते नहीं है जब चमत्कार हो जाए, अब नहीं जरूरत, कहते हैं। उसने कहा ऐसा कर, ये तेल बेच, अपना सारा कर्जा उतार दे और जीवन भर इसमें से निर्वाह करती रहे। हालेलुया, यानी कि उस छोटे से तेल की मटकी में से उनके अंगीकार के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया और सारा कर्जा उनका उतर गया और सारा कर्जा उतर गया और जिंदगी भर के लिए उसके और उन दोनों बेटों के लिए बच भी गया। हालेलुया, इसलिए उसने पूछा तेरे पास क्या है कर्जा भरने के लिए, तेरे पास क्या है। उसने कहा थोड़ा सा तेल है हांडी में। परमेश्वर ने कहा इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए तुम्हारे पास क्या है। और उन्होंने कहा बस 5 रोटियां हैं और जो कुछ आपके पास होता है उस पर आशीष उतरती है। हालेलुया, जब आप कहते हैं हमारे पास तो कुछ, कई लोग मुझे कहेंगे, मैं पूछता हूं हाँ कैसी तबीयत है, वो कहेंगे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही हालात हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम लोग अंदर से हमें पता होता है उस बात का, और वो इसलिए कह रहे होते हैं कि पास्टर जी ज्यादा ध्यान देंगे, भी अभी तक तो फर्क नहीं पड़ा, तो हम हमें मालूम होता है, हम लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं कि इसके लिए मेन प्रार्थना तो कर दी है, अब अगर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा तो इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार प्रार्थना कर दो प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं बस, क्योंकि यहां पर कुछ भी चमत्कार और होने वाला नहीं लगता। अगर कहते हाँ मुझे परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, चाहे इतना सा चंगाई दे रहे हैं, इतना सा आराम दे रहे हैं, इतनी सी आशीष आ रही है, तो वो आशीष, वो चंगाई, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। आपका अंगीकार सही हो, अगर आपका अंगीकार सही है तो जो वो आम वस्तु भी चमत्कारित हो जाएगी, आम वस्तु भी आश्चर्य कर्म करने वाले बन जुगे, चमत्कार करने वाले बन जुगी। आम मटका तेल थोड़ा सा चमत्कार करने वाला बन गया, आम 5 रोटियां चमत्कार करने वाली बन गई। हालेलुया, इसलिए आपका अंगीकार सही होना चाहिए। अपने ऊपर शराब मत लेते रहे, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो नाश हो गया, हाय मैं तो ऐसा हो गई। अपने ऊपर ही ऐसे ही करते रहना, अंगीकार ऐसे ना करें, श्राप अपने ऊपर अंगीकार ना करें, बल्कि आशीष को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपकी मदद करे।